ओके सर, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लॉजिकल रीजनिंग पर है। लॉजिकल सबसे पहले हम कवर करेंगे सिलॉजिज्म, उसके बाद स्टेटमेंट एक्शन पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, या फिर कि स्टेटमेंट गिवन दिया होता है उसके बेस पे आपको कंक्लूजन बताना होता है कि कौन सा होगा, या फिर स्टेटमेंट गिवन होता है और आपको ये बताना होता है एजम्पशन कौन सा फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को या नहीं। तो ये तीन तो छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा नहीं समझना। ये पहला जो टॉपिक है इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो सिलॉजिज्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है सिलॉजिज्म का, सिलॉजिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, इट मीन्स इन्फ्रेंस और डिडक्शन, वेयर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवेन एंड अ सेट ऑफ कंक्लूजन। कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं और उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन गिवन होते हैं। हमें ये बताना होता है कि गिवन स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट के बेस पर ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहा है उसे या नहीं, ये हमें बताना होता है। इसमें जो चीज स्टेटमेंट में गिवन होती है वो हमेशा हमें माननी होती है, ऑलवेज ट्रू। मतलब हम कोई स्टेटमेंट पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं करते कि ये स्टेटमेंट में क्या दिया है, ये सही है या नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। इसे हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? ट्रू। कुछ भी लिख रखा है हम हमेशा क्या मानेंगे उसे? ट्रू। जैसे मान लो स्टेटमेंट दिया है ऑल कैट्स आर बैट्स, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है ऑल बैट्स आर टेबल्स। तो अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करें तो कैट्स और बैट्स में कोई रिलेशन नहीं होती, ऑल कैट्स आर बैट्स ऐसा कभी नहीं होता, या बैट्स आर टेबल्स ऐसा भी कभी नहीं होता। लेकिन हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? जो भी स्टेटमेंट है वो क्या है? ऑलवेज ट्रू। तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा कभी भी स्टेटमेंट पर, ये हमेशा क्या रहेगा? ट्रू। अब इसके बेस पे कोई कंक्लूजन लिखता है, कोई ये कहता है कि कंक्लूजन हमने ये निकाला कि सम टेबल्स आर बेड्स। तो अब इस स्टेटमेंट के बेस पे हमें ये देखना है कि कंक्लूजन जो है ये ट्रू है या नहीं है, यानी ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा सम टेबल्स आर बेड्स ये ट्रू है या नहीं, ये हमें बताना है, यानी इसे फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को या नहीं। तो ये कहलाता है सिलॉजिज्म। हम जो यूज करेंगे इसमें वो टेक्निक यूज करेंगे वेन डायग्राम्स, जो हमने पहले डिस्कस भी किए थे, उसी को हम यूज करेंगे वेन डायग्राम्स। एक और मेथड होता है आईई मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। तो जामिया या एमयू के एंट्रेंस के हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, वेन डायग्राम से ही सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। टिक्स एंड क्रॉसेस मेथड,
अच्छा टिक एंड क्रॉस वाला, हाँ टिक एंड क्रॉस मेथड भी होता है, तो हमारे लिए एंट्रेंस में वेन डायग्राम से क्वेश्चन हो जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं आता क्वेश्चन। I guess so because when I tried with Excel process it was not happening. So let's see. ठीक है, इसके बल्कि जो बाद में जो हमने टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एक्शन ऑफ कोर्स, वो कोर्स ऑफ एक्शन, वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम ये डिस्कस करते चलते हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये लॉजिकल रीजनिंग का। अब दिया है जैसे मान लो जो सेंटेंस यूज होते हैं अगर हम ध्यान दें तो उसमें कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, मतलब जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे कि ऑल, नो, सम, एवरी, नन, फ्यू और इस टाइप के कई सारे, तो ये होते क्वांटिफायर, यानी ये क्वांटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। ऑल मतलब सभी कवर हो गया इसमें, नो मतलब एक भी नहीं आया, सम इनके मिडिल में हो गया कि कुछ है भी कुछ नहीं भी है, इस टाइप से। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर तीन लेते हैं हम कहते हैं ऑल, नो और तीसरा होता है सम। तो इसी क्वांटिफायर में सारे कवर हो जाते हैं, जैसे कि एवरी है, एवरी किस में आ जाएगा, ऑल वाली कैटेगरी में। ईच, ये सब किस कैटेगरी में हो जाएंगे, ऑल वाले में। नो में नन, सम में ये फ्यू। तो ये बेसिकली तीन टाइप के क्वांटिफायर हमें ध्यान रखने हैं, ऑल वाली कैटेगरी होती है, नो वाली होती है और सम वाली होती है। इसमें ये जो चीज है सम, इस पे थोड़ा हम ध्यान दे देते हैं। देखो अगर मैं ये लिख रहा हूं कि सम इज आर दीज, यानी मान लो सम क्रिकेटर्स आर एक्टर्स, यानी एज ये कैटेगरी क्रिकेटर और बीज मैं कह रहा हूँ एक्टर। तो देखो सम का मतलब जो होता है, सम की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होगी एट लीस्ट वन, यानी अगर मैं कहता हूँ सम क्रिकेटर्स आर एक्टर तो एटलीस्ट वन क्रिकेटर वो होगा जो एक्टर भी होगा। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू में इसमें एटलीस्ट वन होना जरूरी है, लेकिन सम की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम में वो ऑल को भी कवर कर सकता है। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है सम इज आर बी या सम क्रिकेटर्स आर एक्टर्स का मतलब कि एटलीस्ट वन क्रिकेटर इज एक्टर, मतलब कम से कम एक क्रिकेटर तो एक्टर है। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जितने भी क्रिकेटर्स थे आर एक्टर्स, वो एक्टर्स भी हैं, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये सम जहां पर यूज होता है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मिनिमम वैल्यू वन को भी कवर करेगा और इसकी अगर मैक्सिमम देखे तो ये सबको भी कवर कर सकता है। याद रहेगा ये सम का मतलब मिनिमम एटलीस्ट वन और मैक्सिमम मतलब ऑल। yes, अब हम इसके बेस पर स्टेटमेंट के जो टाइप आते हैं वो देखते हैं। स्टेटमेंट्स होते हैं फोर टाइप के, मान लो ऑल एज आर बीज, या फिर नो ए इज बी, या फिर थर्ड सम एज आर बीज, या फोर्थ सम एज आर नॉट बी।
ये बेसिक चार स्टेटमेंट की टाइप्स हैं, ऑल एज आर बीज, यानी ऑल वाला टाइप का ये, ऑल एज आर बीज। तो इसका अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम, अब हम यूज करेंगे वेन डायग्राम। तो देखो ऑल मतलब एक सर्किल ऐसे होगा और एक उसके अंदर होगा, ए अंदर वाला सर्कल होगा जिसके साथ भी ऑल लिखा होगा, जैसे ऑल ए के साथ लिखा है तो वो हमेशा अंदर आएगा, ऑल जिसके साथ अटैच है तो दूसरा जो होगा वो बाहर आएगा। यानी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी का इस तरीके से, यानी इस बी के अंदर ये पूरा ए कवर हो रहा है, तो ये ऑल ए आर बी इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, जो ग्रीन से मैंने शुरू किया। Yes, sir. अच्छा इसका बनाए नो ए इज बी, डिफरेंट सर्कल्स, दो सर्किल हैं जिनका आपस में कोई एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी आपस में कुछ भी इनके कॉमन नहीं है, नो ए इज बी, सम एज आर बीज, फिर कुछ पोर्शन दोनों सर्कल्स का शायद ओवरलैप हो रहा है। यस सर। तो ये मान लो ए है, ये बी है, तो इसका ये जो कॉमन है ये वाला पोर्शन ये शो कर रहा है सर, सम एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज, सर थोड़ा सा पोर्शन कोइंसाइड नहीं हो रहा, मैक्सिमम शायद हो रहा है, ये सिंपल यही डायग्राम है सर। ये ए है, ये बी है, लेकिन इसमें अब जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं वो ये वाला पोर्शन, वो एज विच आर नॉट बीज, यानी ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं आता, तो दिस वन। तो ये हमारे चार बेसिक डायग्राम्स हो गए, ऑल एज आर बीज का ये, नो एज बी का ये, सम एज आर बी का लिए ये, और सम एज आर नॉट बीज का ये, ठीक, ये कहलाते हैं, ये थोड़ा अच्छे से समझना, ये कहलाते हैं बेसिक डायग्राम्स, ये जो चारों मैंने बनाए दीज आर बेसिक डायग्राम्स, बेसिक डायग्राम, बेसिक डायग्राम्स वो होते हैं जिसके अंदर मिनिमम ओवरलैप हो, यानी ये वेन डायग्राम, यानी ऑल एज आर बीज का एक दूसरा वेन डायग्राम भी बन सकता है, लेकिन इसे हम कहेंगे बेसिक डायग्राम। इसमें क्या होता है, मिनिमम ओवरलैप। देखो दूसरा कैसे बन सकता है, दूसरा मैं बना रहा हूँ ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। देखो ये है मान लो ए, ठीक, और बी भी यही है, ओवरलैपिंग है पूरे कंप्लीट, तो अभी भी ट्रू होगा, ऑल एज आर बीज, यस सर, ठीक। तो इस ऑल एज आर बीज के लिए ये दो टाइप के डायग्राम बनेंगे, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी, लेकिन इसमें ओवरलैप क्या होगा, ज्यादा होगा, पूरा कंप्लीट ओवरलैप है, यस सर। तो इसे हम कहेंगे अदर पॉसिबल पॉसिबल डायग्राम। तो ऑल एज आर बीज में आपको याद रखना है कि इस दो टाइप के डायग्राम बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ए बी के अंदर है और ए और बी दोनों ओवरलैप है, नो एज बी में एक ही पॉसिबल है और कोई दूसरा डायग्राम नहीं होता, सम एज आर बीज, देखो सम एज आर बीज थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सम एज आर बीज कैसे कैसे बन सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है या फिर ये है मान लो ए और बी इसके अंदर है, अभी भी ये चीज ट्रू हो रही है, सम एज आर बीज, बीज, यस सर, कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये ए के अंदर तो था ही पूरा और बी के अंदर भी है, तो इस बी के अंदर का जितना पोर्शन है उसमें जितने एज आ रहे हैं वो सारे क्या है, बीज है, तो सम एज आर बीज का ये दूसरा डायग्राम बन सकता है।
और एक और बन सकता है इसमें सम, जो मैंने कहा था कि सम का मतलब क्या हो सकता है, ऑल, सम की मैक्सिमम। देखो सम की मिनिमम वैल्यू होगी 1, यहाँ कम से कम सर। एक एलिमेंट ऐसा होगा ए का जो बी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा ए और बी क्या हो जाए कॉमन। सर। इस केस में भी क्या होगा, सम एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज। इसमें देखो अगर हम बनाए सेम डायग्राम बी और ए, इसमें क्या होगा सम इज आर नॉट बीज, ये वाला पोर्शन, ये वो एज है जो बी नहीं है। और अगर दोनों को अलग अलग बना दें हम, तो इसका एक ही स्पेशल केस ये भी हो सकता है। तो ये हमारे चार बेसिक स्टेटमेंट हो गए। तो आपको ऑल एज आर बीज है, तो ये जो मैंने पहले रेड से बनाए बेसिक डायग्राम, पहले हम बेसिक डायग्राम ही बनाते हैं। सर जो आपने लास्ट वाला बनाया ना, वो पॉसिबल कैसे है, फोर्थ वाला? ये सम यस सर। एज आर नॉट बी, सम का मैंने कहा सर था कि लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए ना। एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम में आ जाता है ऑल, यानी इस स्टेटमेंट में ये भी ऑल एज आर नॉट बीज ओके या नॉट आ गया ना, तो मैक्सिमम का मतलब होगा एक भी नहीं हो। सो सम एज आर नॉट बीज में ऐसा भी आ सकता है कि नो एज आर बीज भी आ ये सकता है। दोनों एक इसके स्पेशल केस है, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं। ओके सर। पहले हम हमेशा स्टार्ट करते हैं बेसिक डायग्राम से। तो ये हमारे चार क्या है, बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम के बेस पे हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, देखो ऑल एज आर बीज, इसका कंक्लूजन होता है सम बीज आर एज। इसका उल्टा नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते ऑल एज आर बीज है तो ऑल बीज आर एज, ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ क्या कह सकते हैं, सम बीज आर एज, ये इसका कंक्लूजन है। ऑल एज आर बीज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सम बीज आर एज। नो एज बी, इसमें हम कह सकते हैं नो बी इज ए, अगर कोई ए बी नहीं है तो बी भी क्या है, ए नहीं है। सम एज आर बीज, देखो सम एज आर बीज को समझ लेते हैं, ऑल और इसमें तो क्लियर समझ में आ रहा है। सम एज आर बीज का हम ये समझते हैं कि कंक्लूजन क्या होगा, सम एज आर नॉट बीज, यही कंक्लूजन दिमाग में आता है। अगर मैं कहूं कि सम एज आर बीज, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सम एज आर नॉट बीज, यस सर। लेकिन ये इसका कंक्लूजन नहीं है। देखो इस वेन डायग्राम में देखते हैं, सम एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज, ये इसमें ट्रू है पहले डायग्राम में, फर्स्ट में, यस सर। सेकेंड वाले में भी ये ट्रू है, सम इज आर नॉट बीज है, लेकिन जो थर्ड इसका स्पेशल केस है, इसमें ये ट्रू नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये नहीं होता, कंक्लूजन जो निकलता है वो ये होता है, सम बीज आर एज, यानी सम एज आर बीज है तो इसका कंक्लूजन होगा सम बीज आर एज। तो ये ध्यान देने वाली बात ये थी इसमें कि सम इज आर बीज है तो उसका कंक्लूजन डायरेक्ट ये मत लिख देना कि सम इज आर नॉट बीज, इसमें से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, ये जो स्पेशल केस है। नो सर। जो थर्ड वाला, उसमें ऑल बीज आर एज आ सकता है?
इसमें नहीं, तो ये इन डायग्राम में ट्रू नहीं हो रहा ना। अच्छा, जो हर एक डायग्राम में ट्रू होगा सिर्फ वही लिख सकते हैं। कंक्लूजन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन हम उस स्टेटमेंट को कहेंगे जो कि सभी से हम फॉलो कर सकते हैं, सारे डायग्राम्स किसी एक में भी कोई चीज फॉल्स हो गई तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसमें देखो सम इज आर नॉट बीज में कोई कंक्लूजन नहीं होता। मैं अगर कोशिश करूं सम इज आर बीज लिखने की कोशिश करूं, जो पहले डायग्राम में फॉलो हो रहा है सम इज आर बीज, इसमें भी फॉलो हो रहा है लेकिन तीसरे केस में फॉलो नहीं हो रहा, तो इसमें कोई कंक्लूजन नहीं। ऑल नो और सम से हम कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं, सम नॉट जिसमें हो उससे कोई कंक्लूजन ड्राइव नहीं होता। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएंगे क्या रहेगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या होते हैं इसमें देखो फर्स्ट पेयर के टाइप ये होती है, ये लिखा होगा नो ए इज बी और सम एज आर दीज, ये पहला पेयर है। सेकंड पेयर होता है ऑल एज आर दीज और सम एज आर नॉट दीज। देखो कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर पहले स्टेटमेंट मान लो फॉल्स है देन अदर स्टेटमेंट विल बी ट्रू, यानी इन दोनों में से अगर एक फॉल्स हो रहा है तो दूसरा ट्रू होगा, ये दोनों का भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते इस पेयर में। हम देखो अगर डायग्राम बनाए नो ए इज बी, नो ए इज बी का आपको पता है अलग अलग दोनों, दिस बी मान लो ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स। सम इज आर बी, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लो नो ए इज बी वाला ये वाला केस है, लेकिन अगर हम कहें सम एज आर बीज या ये सम एज आर बीज, तो अगर ये ट्रू है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फॉल्स। नो एज बी क्या हो जाएगा, फॉल्स, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू होगा। ऐसे इसमें देखें ऑल एज आर बीज, ए के साथ ऑल लगा हुआ तो ए अंदर और बी बाहर, दिस वन ऑल एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज, ये वाला पोर्शन था सम एज आर नॉट बीज। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर हम इसे ट्रू मान लेते ऑल एज आर बीज तो सम एज आर नॉट बीज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ट्रू है, मतलब ये वाला डायग्राम सही है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, नीचे वाला स्टेटमेंट सम इज आर नॉट बीज फॉल्स। अगर ये ट्रू है सम इज आर नॉट बीज, यानी ये वाला केस है दिस वन सेकंड वाला डायग्राम, तो ऑल एज आर बीज ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, कि अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा ट्रू होगा। ठीक, और क्वेश्चन जो इस पे आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाती हैं, जो अभी हम पूछ रहे थे सना कंक्लूजन, कंक्लूजन को क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू इन ऑल केसेस, यानी जितने भी केसेस हम बना सकते हैं वेन डायग्राम से वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ट्रू, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, कंक्लूजन।
दूसरी चीज होती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए? ट्रू इन एटलीस्ट वन केस, यानी किसी एक केस में भी अगर ट्रू हो गया, एटलीस्ट वन, कम से कम वन केस में ट्रू हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि इस चीज की पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर कंक्लूजन दिया है तो उसे हमेशा क्या होना चाहिए? ट्रू इन ऑल द केसेस। किसी एक केस में भी गड़बड़ हो गई तो हम उसे कंक्लूजन नहीं कह सकते, ट्रू कंक्लूजन उसे नहीं है। ठीक, तो याद ये रखना है कि नॉर्मली कंक्लूजन पे ही क्वेश्चन रहता है, पॉसिबिलिटी तो इजी होता है, तो कंक्लूजन को हमें ट्रू करना होता है इन ऑल द केसेस, सारे केसेस। जैसे मान लो इसका अगर एग्जाम्पल लें कि ए इज वाइफ ऑफ बी, ये स्टेटमेंट है, तो इसका हम कंक्लूजन डेफिनेटली कह सकते हैं कि बी इज हस्बैंड ऑफ ए, यानी ए इज वाइफ ऑफ बी है तो बी इज हस्बैंड ऑफ ए, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, इसे ट्रू कर रहा है। ठीक, पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है? जैसे मान लो ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, तो बी की अब पॉसिबिलिटी है कि बी या तो फादर भी हो सकता है या फिर मदर, यानी फादर होने की भी पॉसिबिलिटी है और मदर होने की भी पॉसिबिलिटी इस स्टेटमेंट के बेस पर, तो ये पॉसिबिलिटी का केस हो गया जिसमें हम श्योर नहीं है और पॉसिबिलिटी आ रही है। लेकिन कंक्लूजन हम तभी लिख सकते हैं कि ए इज वाइफ ऑफ बी, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी इज हस्बैंड ऑफ ए। क्लियर दोनों में फर्क? अब देखो क्वेश्चन इसमें करते हैं। स्टेटमेंट हमें गिवन है All stamps are packets. Some packets are buckets. और थर्ड दिया है All buckets are tubes. ये तीन स्टेटमेंट है, अब कंक्लूजन दिया है, फर्स्ट सम ट्यूब्स आर स्टैम्प्स, सेकंड दिया है सम बकेट्स आर स्टैम्प्स, और थर्ड दिया है सम ट्यूब्स और पैकेट्स। अब इसमें पूछा है कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो हमें क्या करेंगे, वेन डायग्राम, पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम देखो। देखो पहली चीज याद ये रखनी है कि स्टेटमेंट में जो कुछ भी गिवन है हमेशा क्या मानना है हमें, ट्रू। स्टेटमेंट को हम कोई कभी चैलेंज नहीं करेंगे कि ऑल स्टेम और पैकेट कैसे हो गए, सम पैकेट्स और बकेट कैसे हो गए, जो भी दिया है उसे हमेशा मान लेना है 100% क्या है, ये ट्रू है। अब वेन डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट का बनाते हैं, ऑल स्टेम्स आर पैकेट, देखो ऑल लगा है और स्टेम्स के साथ है, तो जिसके भी साथ होता है वो अंदर आ जाता है, यानी ये स्टैम्स है और ये क्या हो गए, पैकेट। ठीक, फिर सम पैकेट्स आर बकेट्स, सम पैकेट्स आर बकेट्स, तो हमने बकेट ये मान लिया, और थर्ड क्या है, ऑल बकेट्स आर ट्यूब्स,
तो सारे जो बकेट हैं वो ट्यूब भी हैं, तो इसके अंदर हमने ये बना दिया, ये हो गया ट्यूब्स। ये हमारा बना बेसिक वेन डायग्राम। देखो बेसिक इसलिए मैंने कहा कि मैं एक और बनाता हूँ ग्रीन से, दिस वन, ये मान लो स्टैम्प, ये पॉकेट, पहला आ गया था ऑल स्टैम्प्स आर पैकेट्स, नाउ सम पैकेट्स आर बकेट, ये बनाया मैंने बकेट। अब थर्ड कह रहा है ऑल बकेट्स आर ट्यूब्स। अगर मैं देखो ट्यूब इसके बाहर बना दूं, ऐसे बना दूं ट्यूब, तो अभी भी तो ये स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है ऑल बकेट्स आर ट्यूब्स, लेकिन इसमें देखो ट्यूब बाहर आ गया, ऐसे सब कुछ इसमें ओवरलैपिंग क्या हो गई, बढ़ गई। तो बेसिक वेन डायग्राम उसे ही कहते हैं हम जिसमें हम मिनिमम ओवरलैप लेके चलते हैं। ये अदर पॉसिबल डायग्राम है, और भी बन सकते हैं इसमें। अब देखो कंक्लूजन को अब ड्राइव करते हैं, कौन सा सही आ रहा है। सम ट्यूब्स आर स्टैम्प्स, ट्यूब्स ये हैं, स्टैम्प ये है, अलग है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। देखो एक चीज क्लियर ये दिमाग में डाल दो कि किसी भी चीज को फॉल्स करने के लिए मुझे एक डायग्राम भी मिल गया तो मैं कह सकता हूँ फॉल्स है, यानी बेसिक डायग्राम में ये फॉलो नहीं कर रहा तो मैं इस कंक्लूजन को कह सकता हूँ फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू लिखता तो फिर मुझे और जो पॉसिबल डायग्राम है उसमें भी चेक करना पड़ेगा। तो ट्रू करने के लिए मुझे ऑल अदर डायग्राम में भी चेक करना पड़ेगा, कंक्लूजन को फॉल्स करने के लिए वन केस भी मेरे लिए सफिशियंट है, मैं उसे फॉल्स कर सकता हूं। ठीक, सेकंड केस, सम बकेट्स आर स्टैम्प्स, बताओ ये फॉल्स होगा ट्रू होगा। सम बकेट्स आर स्टैम्प्स, ये बकेट है, ये स्टैम्प है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, फॉल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब थर्ड पे आते हैं, सम ट्यूब्स आर पैकेट, यस सर। तो देखो ट्यूब्स और पैकेट इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ओवरलैप हो रहा है, तो बेसिक डायग्राम में तो ये ट्रू हो रहा है। अदर जो बनाया था हमने पॉसिबल डायग्राम, इसमें देखें सम ट्यूब्स आर पैकेट, तो ये ट्यूब्स था और ये अंदर पैकेट, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें भी ट्रू आ रहा है, यानी ये जो होगा ट्रू होगा। तो इसके रिजल्ट में हम आंसर में लिखेंगे ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलो, यानी ऑप्शन में इस तरीके से होगा कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, या ओनली थ्री फॉलोज, या आइदर वन और टू, या बोर्ड टू एंड थ्री, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन बनेंगे। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलो। तो ये दो बेसिक डायग्राम में ही गलत हो गए थे, ये हमने चेक किया, इस पे भी अदर पॉसिबल पे ही बन रहा है तो हमने इसे कह दिया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। सर क्वेश्चन, sir, when the three statements, Venn diagram will be applicable. Dixon crosses cannot be used. Venn diagram, देखो Venn diagram सबसे general method है, तो Venn diagram तो हर जगह आप use कर सकते हो, बाकी औरों में फिर कुछ category, कुछ restriction वगैरह आती जाती हैं, लेकिन Venn diagram हर जगह use हो सकता है। चलो नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं, स्टेटमेंट गिवन है सम रिवर्स आर हिल्स,
नो हिल इज टैक्सी ऑल टैक्सेस आर बसेस. ये स्टेटमेंट है. कंक्लूजन ये लिखा है वन है सम बसेस आर रिवर्स. सेकंड लिखा है सम टैक्सीज आर रिवर्स. थर्ड है नो बस इज रिवर. ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ये है. कंक्लूजन वन फॉलोज, मतलब ओनली कंक्लूजन वन, ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलोज, आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन थ्री या ओनली कंक्लूजन सॉरी थ्री ओनली टू फॉलोज. इस तरीके से दिया है. तो हमें क्या करना है, इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं. पहले क्या है, ये ऑल सम रिवर्स आर हिल्स. तो बेसिक डायग्राम बनाएंगे पहले हम. सम रिवर्स आर हिल्स, तो ये रिवर और ये हिल्स. ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, नो हिल इज टैक्सी. तो हिल और टैक्सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो हमने ये बना दिया टैक्सी. ठीक, थर्ड स्टेटमेंट क्या, ऑल टैक्सीज आर बसेस. ऑल टैक्सीज आर बसेस यानी बसेस बाहर आएगा, दिस वन ये टैक्सी टी आ गया अंदर. इसे बना देते हैं. This one. ये आ गया हमारा बेसिक वेन डायग्राम. सम रिवर्स आर हिल्स, नो हिल इज टैक्सी एंड ऑल टैक्सीज आर बसेस. देखो बसेस ये अंदर भी ले सकता था मैं हिल के साथ, लेकिन बेसिक वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम मिनिमम ओवरलैप लेते हैं, यानी कम से कम ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस यहाँ नहीं आ सकता. आ सकता है, ऑल पॉसिबल. अदर को बनाएंगे, अदर को बनाएंगे, लेकिन हम मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने अलग बनाया. अब देखते हैं कि कोई सा हम रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. सम बसेस आर रिवर्स, बसेस और रिवर्स इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं. नो, फॉल्स हो गया. सम टैक्सेस आर रिवर्स, नो टैक्सेस और रिवर के बीच में भी नहीं. और लास्ट है नो बसेस रिवर, नो बस इज रिवर, ये ट्रू है. यानी इस बेसिक वेन डायग्राम के हिसाब से ये दो फॉल्स है और थर्ड क्या है, ट्रू है. अब अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, मान लो मैंने फिर से वही पहला लिखा सम रिवर्स आर हिल्स, रिवर और हिल. ठीक है, सम रिवर्स आर हिल, नो हिल इज टैक्सी. टैक्सी मैंने हिल से हटा के लेकिन इस तरफ बना दी टैक्सी, ये भी तो पॉसिबल है. नो हिल इज टैक्सी, ये फॉलो हो रहा है इस चीज को. और थर्ड क्या, ऑल टैक्सीज आर बसेस, ये मैंने बना दिया बसेस के. ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम था, ये अदर पॉसिबल डायग्राम. अगर हम अब इसमें देखें, सम बसेस आर रिवर्स, सम बसेस आर रिवर्स, तो ये क्या हो रहा है, ट्रू. सम टैक्सीज आर रिवर्स, सम टैक्सीज आर रिवर्स, ये भी इस केस में क्या है, ट्रू है. और नो बसेस रिवर,
नो बस इज रिवर, ये क्या हो गया? फॉल्स। यानी अब देखो क्या हुआ, कोई भी हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि एक केस में ट्रू है एक में फॉल्स है। कंक्लूजन फॉलो होने के लिए क्या होना चाहिए था, दोनों केसेस में ट्रू होता। इन तीनों कंक्लूजन में ऐसा कोई नहीं है जो दोनों केसेस में ट्रू है, तो हम ये ऑप्शन तो सारे काट देंगे। यानी ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है जो कि डायरेक्टली फॉलो हो रहा है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है, ये देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग दिया इन्होंने, आइदर सी वन और सी थ्री फॉलोज, यानी कंक्लूजन वन और थ्री फॉलो करे, या तो कंक्लूजन वन या फिर थ्री। तो टू पे तो हमें फोकस नहीं करना, अब हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड। देखो ये वही वाली कैटेगरी है, नो एज इज बीज, जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़े थे, और सम एज आर बीज, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है देखो वन और थ्री में। यानी अगर हम एक को फॉल्स करेंगे, बेसिक वेन डायग्राम को देखें, तो नंबर वन कंक्लूजन क्या था, फॉल्स, लेकिन उसमें नंबर थ्री कंक्लूजन ट्रू था। अदर डायग्राम बनाया, इसमें वन ट्रू हो गया तो थ्री क्या हो गया, फॉल्स। यानी कि क्या केस बनेगा, अगर हम वन को फॉल्स करेंगे किसी डायग्राम में तो थ्री ट्रू हो जाएगा, थ्री को फेल करेंगे तो वन ट्रू हो जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, या तो सी वन फॉलो करेगा या फिर सी थ्री फॉलो करेगा, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कंक्लूजन के बेस पे जो ऑप्शन होते हैं, पहले हमें उन्हें देखना होता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या आंसर होगा। क्लियर? तो ये डायग्राम बनाने, बेसिक डायग्राम कैसे बनेगा, मिनिमम ओवरलैप, और फिर दूसरा हम अलग अलग केसेस के डायग्राम बना सकते हैं। एक लास्ट केस कर लेते हैं इसमें पॉसिबिलिटी पर। क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, और दूसरा है नो बोर्ड इज अ, नो बोर्ड इज अ कार्ड। कंक्लूजन दिया है हमें, All cards being paper is a possibility. First, second में पूछा है, can all boards be paper? ये है देखो क्वेश्चन। तो हमें ध्यान ये देना है कि क्या पूछा है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी। इस बार कंक्लूजन डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर रखा है, ऐसा नहीं लिखा है कंक्लूजन वन फॉलोज, इसमें क्या दे रखा है, ऑल कार्ड बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। और सेकंड क्वेश्चन है, कैन ऑल बोर्ड्स बी पेपर, तो ये भी किसका क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी का। फिर सेकंड वाला हो सकता है, यानी एटलीस्ट वन केस में भी हम ये शो कर दें कि हाँ ये ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है। डायग्राम बनाते हैं, बेसिक डायग्राम, सम पेपर्स आर बोल्ड, सम वाला जो बेसिक डायग्राम बनता है वो ये है, पेपर एंड बोल्ड, और नो बोर्ड इज अ कार्ड, यानी कोई भी बोर्ड जो है वो कार्ड नहीं है। तो सबसे बेसिक डायग्राम अगर हम बनाए तो उसको दूर बना देंगे, कोई ओवरलैप नहीं करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, बेसिक डायग्राम।
अब कह रहा है ऑल कार्ड बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी. अब हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी शो करनी है, कार्ड्स बीइंग पेपर, तो कार्ड और पेपर इस वाले केस में तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही हमें, ठीक. लेकिन अगर इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, पेपर बोर्ड और कार्ड इसके अंदर ले लेता, तो क्या होता देखो. अब ट्रू है, ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो पॉसिबिलिटी के लिए सिर्फ वन केस भी अगर आप शो कर दोगे तो भी वो ट्रू हो जाएगा. लेकिन कंक्लूजन के लिए, कि कंक्लूजन फॉलो हमेशा क्या होगा, ऑल द केसेस, सारे के सारे केसेस आपको ट्रू करने पड़ेंगे. कोई एक केस में भी पॉसिबल नहीं हो रहा तो वो कंक्लूजन हम कह देते हैं डू नॉट फॉलो. पॉसिबिलिटी में एक भी केस शो कर दिया तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, ठीक. तो पहला वाला तो पॉसिबल हो गया इस वाले केस में. इस वाले केस में हम लिख सकते हैं कंक्लूजन वन फॉलो, ऑल कार्ड बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, यस ट्रू है. सेकंड में कह रहा है कैन ऑल बोर्ड्स बी पेपर. कोई ऐसा डायग्राम बन सकता है कि ऑल बोर्ड्स बी पेपर, बोर्ड्स और पेपर. देखो बोर्ड्स और पेपर में ये रिलेशन है, तो बेसिक डायग्राम में सम पेपर्स और बोर्ड्स का मतलब तो ये होगा. लेकिन मैंने कहा था कि सम का एक स्पेशल केस भी होता है कि दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप. तो यस, यानी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इस केस में, इस स्पेशल जो हमारा केस है, इस केस के अंदर क्या होगा, ऑल बोर्ड्स भी पेपर, तो ये भी ट्रू होगा. सर फिर इसका आंसर क्या होगा? इसमें बोथ both C1 and C2 follows. जो भी ऑप्शन में ऐसा दिया होगा तो वो हमारे. याद ये रखना है कि पॉसिबिलिटी किसी एक केस में भी आप शो कर दोगे तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन कंक्लूजन के लिए आपको सारे के सारे शो करने पड़ेंगे. क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारे क्वेश्चन थे सिलोजिज्म. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है जामिया और एमयू एंट्रेंस के हिसाब से. स्टेटमेंट के बेस पर दो तीन टाइप्स की चीज़ें पूछी जाती हैं. कोर्स ऑफ एक्शन, कि अगर ऐसा है तो आप क्या एक्शन लोगे, दो तीन ऑप्शन होते हैं. या फिर एजम्पशन, इसके बेस पर कौन सा एजम्पशन ट्रू है. या थर्ड कंक्लूजन, कि कौन सा कंक्लूजन हम ड्राइव कर सकते. So, course of action, doesn't this come in ZAT papers also? हाँ, और भी एग्जाम में आते हैं. MBA के एग्जाम में रहता है, बैंक्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, यहाँ तक कि जॉब इंटरव्यूज और इस टाइप की जब कंपनीज लेती हैं तो उन सब में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं course of action. So, course of action is like when you are like there's no pen paper. आपको स्टेटमेंट, चलो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट होगा और उसके बाद आपसे पूछा होगा कोर्स ऑफ एक्शन, आपको क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में. तो इसमें जो पहले तो ध्यान देने वाली चीज है इम्पोर्टेंट, वो आप याद रख लो कि जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल. आपको सॉल्यूशन ऐसा रखना है, ऐसा एक्शन लेना है जो क्या हो, प्रैक्टिकल हो. इम्प्रैक्टिकल है तो वो सब नहीं चलेगा. सेकंड, लॉजिकली फॉलोज, यानी जो स्टेटमेंट है उसको लॉजिकली फॉलो करते हो. और जो भी आपको प्रॉब्लम दी है क्वेश्चन में उसको या तो सॉल्व कर दे प्रॉब्लम को, या फिर मिनिमाइज कर दे, मिनिमाइज द प्रॉब्लम. ये नहीं कि नई प्रॉब्लम खड़ी कर दे, पता चला डोंट गिव
बर्थ टू न्यू प्रॉब्लम. जैसा मान लो एग्जांपल है, स्टेटमेंट आपको दिया है कि ये स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि हाईवेज पर हाईवेज एक्सीडेंट्स इंक्रीज्ड मैनिफोल्ड. यानी एक स्टेटमेंट या एक प्रॉब्लम आपको ये दी कि हाईवे पर एक्सीडेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए. अब आपसे कह रहा है कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, तो एक्शन में किसी ने कह दिया कि पर्सनल मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द व्हीकल्स ऑन द हाईवे. किसी ने सॉल्यूशन ये बताया या ये तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये कोर्स ऑफ एक्शन है, तो ये फॉलो करेगा या नहीं. तो स्टेटमेंट जैसे अभी हमने सिलोजिज्म में भी पढ़ा और आगे ये जितने भी रहेंगे क्वेश्चन, एक चीज याद रखना है कि स्टेटमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये हमेशा 100% ट्रू रहेगा. जो भी दिया है आपको वो ट्रू है, ये याद रखना हमेशा. स्टेटमेंट में ये मत करना कि ये अच्छा हाईवे कहाँ के लिए दे दिया, ये एक्सीडेंट व्हीकल से हो रहा है, क्या था इसमें. स्टेटमेंट को आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना. जैसे स्टेटमेंट ये है, जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसे लेके अब आपको एक्शन देखना है कि क्या करना है. तो एक्शन जो भी होगा आपका वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकली फॉलो होना चाहिए, मिनिमाइज या सॉल्व करे प्रॉब्लम को और किसी न्यू प्रॉब्लम को ना खड़ी कर दे. और तो ये फॉलो होगा या नहीं होगा, क्या लिखना चाहिए मुझे, यस या नो. बताओ कोई. It depends. I mean, firstly options and yes, you can, but no. I mean, it's not feasible completely also. नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा. आंसर अभी भी 50-50 नहीं होगा इसमें. या तो वो depends on option. Option follow या course of action don't follow. It depends on option also. What the yes option says and what the no option says. ऑप्शन कोर्स ऑफ एक्शन में ये होंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे कि एक्शन नंबर 1 फॉलोस, एक्शन 2 फॉलोस, आइदर ए 2 फॉलोस या फिर बोथ फॉलोस, ऐसे करके होते हैं. मैं सिर्फ अभी एक स्टेटमेंट दिया और एक एक्शन की बात कर रहा हूँ. ये आपको प्रैक्टिकली लॉजिकली सॉल्व करने वाला लग रहा है या और किसी प्रॉब्लम को राइज करने वाला लग रहा है, क्या लग रहा है. देखो ये कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है ना, ये आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को टेस्ट करते हैं. हर जो सेट्स होता है ना रीजनिंग का, वो कोई ना कोई आपकी स्किल चेक कर रहा होता है. तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल है कि मान लो आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो और आपको हाईवेज का इंचार्ज बना दिया है ट्रांसपोर्टेशन. अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आई तो आपको ये डिसीजन लोगे या नहीं लोगे, ये चेक होता है एक्चुअल में इसमें. Also not feasible, not practical. हमारा सीधा आंसर ये होगा, हमारे डिसीजन ये होगा कि ये नॉट प्रैक्टिकल है, ये नहीं करना है. क्योंकि मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द व्हीकल्स, एक हाईवे पे कितने सारे व्हीकल्स आते हैं, उस सबकी मॉनिटरिंग अगर आप करोगे तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस आपको लगानी पड़ेगी. जो कन्वीनियंट जो ट्रेडिशनल पुलिस है वो भी आपको फिर हाईवेज पे भेजनी पड़ेगी, तो फिर सिटी को कौन देखेगा. तो ये सारी चीज़ें हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये नहीं फॉलो करेगा, और मेन रीजन ये है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक, सुनने में तो सही लग रहा है कि हाँ चाहे हम सबकी मॉनिटरिंग कर ले तो कम हो जाएंगे एक्सीडेंट, लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो ये चीज़ आपकी चेक होती है कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन. अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम. क्वेश्चन है कि देयर आर
देयर इज अ कंपनी कंपनी जेड विच इज फेसिंग ह्यूज लॉसेस ड्यू टू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. ये एक स्टेटमेंट है, तो आपको जो भी इसमें दिया है सब ट्रू मानना है. एक्शंस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, कंपनी जेड ऑफर्स ह्यूज डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. एक पहला एक्शन हमें ये कहा गया है कि ये होना चाहिए. सेकंड, कंपनी जेड शुड स्टडी इट्स कॉम्पिटिटर्स देयर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एंड मेथड्स. सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन ये है. ऑप्शन आपको दिए हैं, ए वन फॉलोज, बी दिया है ए टू फॉलोज, सी दिया है बोथ ए वन एंड ए टू, और लास्ट दिया है नाइदर ए वन नॉर ए टू. सिंपल ये है, अब बताना है आपको. क्वेश्चन रीड करना है. स्टेटमेंट, कंपनी जेड है फेसिंग ह्यूज लॉस हो रहा है ड्यू टू कॉम्पिटिटर. कंपनी जेड ऑफर ह्यूज डिस्काउंट, ये करना चाहिए ये बताओ. सना मुबशिर, सर हमें भूलना क्या है मतलब आंसर में? देखो स्टेटमेंट और एक्शन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, क्वेश्चन का वो समझ लो स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है. ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है. स्टेटमेंट पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, यानी जो सिचुएशन दी है आपको एज इट इज ले लेनी है कि ऐसा है. नाउ इस क्वेश्चन में ये बोलना है कि कंपनी जेड क्यों लॉसेस फेस कर रही है? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं, जो हो रहा है वो सही है बिल्कुल. अच्छा. ये ट्रू चीज है, ये फैक्ट है, आपको इसे लेके चलना है. अब आपको करना क्या है, यानी नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद क्या होना है. अच्छा. नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछा जा रहा है. मान लो आप कंपनी के हेड हो, आपके सामने ये सिचुएशन है, इस तरीके से देखना है, तो आपकी क्या स्टेप लोगे? तो दो स्टेप है. किसी ने सजेस्ट किया वन की कंपनी जेड शुड ऑफर ह्यूज डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कस्टमर, और सेकंड एक ने कहा कि कंपनी जेड शुड स्टडी इट्स कंपटीटर देयर प्रोडक्ट एंड मेथड्स. सर आंसर टू होना चाहिए सेकंड ऑप्शन. सेकंड, देखो सेकंड सबको समझ में आ रहा है कि सेकंड तो होना ही चाहिए. Yes, हमें अपनी कंपटीटर हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रहे हैं इसकी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि देखो लॉसेस ड्यू टू कंपटीटर, यानी कंपटीटर गेन कर रहा है, इसमें ये दिया है, तो उनकी स्टडी करना ये तो फॉलो कर रहा है. वर्क पर आते हैं, कंपनी जेड ऑफर ह्यूज डिस्काउंट, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये नहीं होगा. डिस्काउंट से कितने कस्टमर अट्रैक्ट होंगे ये चीज बता पाना मुश्किल है, यानी ये चीज क्या है, एक तरीके से अनसर्टेन चीज है. यस सर. तो ये याद रखना, जब भी कोई अनसर्टेनिटी की बात होगी तो उसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, जिसमें हम श्योर नहीं होंगे कि आप डिस्काउंट दोगे. कितने कस्टमर अट्रैक्ट होंगे ये बताना बहुत मुश्किल है. और दूसरी चीज की देखो, डिस्काउंट देगा तो वो पहले से ही उसे लॉसेस में जा रही है कंपनी. डिस्काउंट जब देगा तो क्या होगा, ऑल लॉसेस बढ़ जाएंगे. इसलिए लॉजिकली, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से हम इस क्वेश्चन में कहेंगे सिर्फ ए टू फॉलोज,
यानी सिर्फ सेकंड नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, फॉलो होगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो मेनी स्टूडेंट्स have gone on a Mars on a Mars leave protest, any student protest kar rahe hain, protest against the institute's new policies। इंस्टीट्यूट ने कोई न्यू पॉलिसीज लगाई, उस पर स्टूडेंट क्या होगा, मास लीव प्रोटेस्ट पे चले गए, ये स्टेटमेंट है। अब एक्शन आपको जो बताए गए हैं वो ये है, द इंस्टीट्यूट शुड इमीडिएटली विथड्रॉ द न्यू पॉलिसीज या सेकेंड एक्शन है, ऑल दीज स्टूडेंट्स शुड बी सस्पेंडेड। ये दो कोर्स ऑफ एक्शन है, अब आपको बताना है आंसर में। ऑप्शन आपको दिए हैं, ओनली वन फॉलोज, बी दिया है ओनली टू फॉलोज, दिया है आइदर वन और टू, और डी दिया है नाइदर वन और टू। ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए। देखो एक तो चलो आप स्टूडेंट हो तो आपने कहा कि भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए ये तो गलत है, पहले ही कह दिया। ये अगर हम सेकंड पे ध्यान दें तो ये अपने आप में वैसे भी क्या है, बहुत ही हार्श पॉलिसी है, हार्श एक्शन है, तो ये गलत है कि ऑल द स्टूडेंट शुड नॉट बी सस्पेंडेड, ये गलत है, यानी टू तो फॉलो नहीं हो रहा। अब आते हैं वन पर, द इंस्टीट्यूट शुड इमीडिएटली विथड्रॉ द न्यू पॉलिसीज। सर लेकिन ये भी गलत है। हाँ सर ये भी पॉसिबल नहीं है पूरी तरह, ये भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों? अब देखो, अब लॉजिकली आपको ब्रेक करना है, प्रैक्टिकली क्या करेंगे। देखो मैनी स्टूडेंट गोन अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज, तो इंस्टीट्यूट की न्यू पॉलिसीज में मान लो 10 पॉइंट्स है जो वो न्यू पॉलिसी में लेके आए। हो सकता है कि 5 पे तो स्टूडेंट एग्री हो लेकिन 5 पे वो एग्री नहीं हो रहे। तो इसमें अगर आपके आंसर में दिया है इमीडिएटली विथड्रॉ द न्यू पॉलिसीज, ये प्रैक्टिकली या लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि 5 पे तो वो एग्री हैं। तो इसके बाद जो लॉजिकली जो हमारे होना चाहिए था नेक्स्ट स्टेप, वो क्या होना चाहिए था कि आपको डिस्कशन शुरू करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि पॉलिसीज में किस बात पे उन्हें प्रॉब्लम है और किस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें नहीं फॉलो हो रही, ना तो आप बच्चों को सस्पेंड करेंगे, ये भी गलत एक्शन होगा, और सारी की सारी पॉलिसीज आप एकदम से विड्रॉ कर लें, ये भी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी लाई गई है तो कुछ उसके पीछे पहले प्लानिंग या कुछ हुई होगी, तो वो प्लानिंग आपको स्टूडेंट के साथ बैठ के डिस्कस करनी है, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप सोचना। ठीक, तो थोड़ा केयरफुल रहना है कि एकदम से सारे आंसर ठीक नहीं करना। क्लियर? नेक्स्ट टाइप है देखो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन।
So before you continue, so if I want to practice more on this course of action, mm-hmm. I can use the bank papers also. तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन. इसमें क्या होगा, आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, स्टेटमेंट फिर से वही चीज, आपको क्या मानना है 100% ट्रू, ये याद रखना है. स्टेटमेंट पे आपको कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल भी, जो दे दिया उन्होंने वही हमारा क्या है, बिल्कुल. लेकिन जिसमें स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन निकालना है, तो उसमें एक चीज ये ध्यान रखना, थिंक ओनली ऑफ स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में सोचना है बस, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना. डोंट यूज जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, कुछ भी यूज नहीं करना है, एक भी चीज, लॉजिक वॉजिक कुछ भी नहीं लगाना आपको. सिर्फ जो स्टेटमेंट में दिया है वही इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, उसी को डायरेक्ट यूज करना. याद रहेगा इसमें, डोंट एज्यूम, कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है. सिर्फ स्टेटमेंट को फोकस करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. अगर आपने अपनी तरफ से कोई भी चीज जो स्टेटमेंट में नहीं दी थी उसे मान के आंसर दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक, तो ये दूसरी टाइप की कैटेगरी. फर्स्ट हमने पढ़ा स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें प्रैक्टिकल होता है. सेकंड ये कंक्लूजन में सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के आपको आंसर देना होता है. जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो क्लियर हो जाएगा. स्टेटमेंट है टीचर स्कॉल्डेड राम इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ये एक स्टेटमेंट है. तो सिर्फ आप स्टूडेंट पे फोकस करो. इसका कंक्लूजन ये दिया है, द टीचर डिसलाइक राम. अब अगर आपसे कहा जाए कि ये फॉलो कर रहा है कंक्लूजन या नहीं, तो आप क्या कहोगे, फॉलो नहीं कर रहा. देखो टीचर इज कॉल्डेड राम, टीचर ने राम को डांट लगा दी. Yes, sir. लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि वो उसे डिसलाइक करता है. हो सकता है कि वो कुछ काम दिया हो करके नहीं लेके आया या लेट हो गया, शरारत करी क्लास में. Yes, sir. इतने भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप ये अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर लेना है कि वो टीचर डिसलाइक करता है इसलिए डांट लगा. तो इसमें बस ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे आपको फोकस करना है, बाकी फिर इजी होता है बिल्कुल, अगर आप सिर्फ इस पे स्टेटमेंट पे फोकस करोगे. तो जैसे हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में दिया है लिक्विड सोप शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोप बार्स टू वॉश हैंड्स. यानी ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट है विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इट इज फियर्ड दैट
petrol will be a rare commodity in future. Conclusion ये है, petroleum products should be used efficiently. देखो इसमें एक चीज और सुन लो, वो ध्यान नहीं रहा तो बताना. अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट तो आपको हमेशा ट्रू मान के चलना ही है, लेकिन कंक्लूजन में क्या है, कोई एडवाइस की फॉर्म में है कंक्लूजन. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली, ये एडवाइस है और रिलेटेड टू स्टेटमेंट है, यानी जो भी आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड है एडवाइस की फॉर्म में, तो हम इसे हमेशा क्या कहेंगे, ट्रू. यानी विद द इंक्रीज इन कंजप्शन इन पेट्रोल, बढ़ेगा तो क्या डर है कि पेट्रोल विल बी अ रेयर कमोडिटी, बहुत रेयर हो जाएगा पेट्रोल का मिलना. तो कंक्लूजन में वो कह रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली, कि हमें एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, तो इस टाइप के कंक्लूजन को हम कहेंगे ट्रू. यानी अगर एडवाइस की फॉर्म में है और रिलेटेड टू स्टेटमेंट है, कोई एडवाइस है लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसे कहेंगे फॉल्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो स्टेटमेंट है, एंड एडवर्टीजमेंट है ऑफ कंपनी एक्स वाई जेड. एक कंपनी है एक्स वाई जेड, इसका एडवर्टीजमेंट है, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी वॉन्ट टू हायर यू. ये स्टेटमेंट में दिया है, कंक्लूजन में आपको दे रखा है, फर्स्ट कंपनी हायर्स नो पर्सन विद अदर क्वालिफिकेशन, और सेकंड दिया है कंपनी एक्स वाई जेड इज इन द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. बताओ कौन सा रहेगा इसमें, कौन सा फॉलो करेगा. स्टेटमेंट है इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी का, वी वांट टू हायर यू. कंपनी हायर्स नो पर्सन विद अदर क्वालिफिकेशन, ये फॉलो कर रहा है या टू कर रहा है या दोनों कर रहा है या दोनों में से कोई नहीं कर रहा. सर आई थिंक दोनों. और बताओ तुफैल. मुबशिर. बहुत बहुत आंसर दे रहे हैं दोनों लोग. देखो If you are a software engineer, we want to hire you. देखो अभी logic में एक चीज हमने पीछे भी discuss की थी कि all A's are B's अगर है तो इसका उल्टा ये नहीं होता, all B's are A's. यानी इसे चलो छोड़ दो इस चीज को, फिर भी समझ लो कि अगर software engineer है तो we want to hire you. इसका conclusion ये तो डायरेक्ट आ रहा है देखो कि कंपनी एक्स वाई जेड इज इन द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तभी तो उसने ऐड दिया. क्लियर, ये चीज तो एकदम क्लियर है, लेकिन yes, sir. इसकी चीज की इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं है. इस स्टेटमेंट के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी हायर्स नो पर्सन विद अदर क्वालिटी. ये तो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट निकाला था कंपनी ने, यानी कि कंपनी को इसकी जरूरत थी इसलिए उसने एक एड निकाल दिया, लेकिन
इसके अलावा और किसी पर्सन को नहीं रखेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी ऐसा है तो हायर करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हायर नहीं करेंगे, ये नहीं है, ये चीज ट्रू नहीं होती। तो ये थोड़ा ध्यान से समझ लो कि अगर हायर करने का दिया है तो हम श्योरिटी के साथ ये तो कह सकते हैं कि हायर करेंगे, जरूरत है उन्हें, लेकिन उसके अलावा और किसी को नहीं करेंगे ये हम नहीं बता सकते। इसमें आंसर क्या होगा, सिर्फ कंक्लूजन टू फॉलो। चलो इसका एक लास्ट टाइप कर लेते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन दिया है, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेटिक। इसके अलावा कोई दुनिया में कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। सेकंड, देयर आर मैनी अदर कंट्रीज the world that are democratic. इसका ऑप्शन बताओ, देखो तो पता चल जाएगा कि तुम्हें समझ में आ गया है या नहीं आ गया। कंक्लूजन वन फॉलोज, टू फॉलोज, बोथ फॉलो, आइदर वन और टू फॉलोज, और फोर्थ है नाइदर, सी वन नॉर सी टू फॉलोज। शायद ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर, और लोग बताओ भी। मुबशर, तुफैल, फराज क्या कहते हो? सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करना है, सिर्फ और ऑप्शन वन स्टेटमेंट पे। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन सर इसमें ये तो नहीं बोला कि कोई और नहीं है, इसमें बस बोला कि इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री। सना का आंसर सही है बिल्कुल। आइदर सी वन नॉर सी टू। देखो पहली चीज स्टेटमेंट पे फोकस करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, उसने एडवर्टीजमेंट दिया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, हम ये तो कह सकते थे कि उसे नीड है इसलिए ऐड दिया। उसके अलावा क्या कर रहा है ये हमें कुछ नहीं पता, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी भी खुद से एज्यूम नहीं करनी है। फिर से समझ लो, जिसमें कि ये एजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपकी अपनी जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, कॉमन सेंस कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस है। स्टेटमेंट में इंडिया है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, बस ये दिया है, तो जो भी कंक्लूजन होगा वो इसी चीज पर फॉलो होना चाहिए था, इंडिया पे कुछ पूछा होता या डेमोक्रेटिक पे कुछ पूछा होता। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, किसी और कंट्री की तो बात ही नहीं हुई स्टेटमेंट में, तो ये तो फॉलो हो ही नहीं सकता। सेकेंड भी वही चीज है, देयर आर मैनी अदर कंट्रीज, इंफॉर्मेशन मिसिंग, मिसिंग इंफॉर्मेशन, जब भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से बाहर जाएगा मिसिंग इंफॉर्मेशन है, हम कहेंगे कि कंक्लूजन डजंट फॉलो, वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा जिसमें स्टेटमेंट के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी बात हो गई। हमें पता है ये हमारी जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस भी है कि दुनिया में यही कंट्री नहीं है, और भी कंट्रीज हैं, लेकिन स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर सी वन नॉर सी टू। इसमें सिर्फ ये आपको दिमाग लगाना है कि एकदम स्टेटमेंट पे फोकस करोगे तो फिर आंसर सीधे सिंपल होता है। लास्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं, स्टेटमेंट assumption. ये अब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अभी तक जो आपने पढ़ा
कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, उसमें क्या होता है एजम्पशन, उसमें क्या होता है देखो स्टेटमेंट यू मीन होगा, स्टेटमेंट के बेस पे कुछ एजम्पशन होगा कि ऐसा होगा तो फिर ये होना चाहिए या फिर ये ऐसा हुआ था, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, एजम्पशन वगैरह का आपको कोई प्रूफ नहीं दिया होगा। अब स्टेटमेंट के बेस पे आपसे पूछा होगा कि ये जो एजम्पशन है ये ट्रू है, रेलिवेंट है या नहीं है, इसमें हम सब कुछ यूज करेंगे, अपना कॉमन सेंस, जनरल अवेयरनेस, यहां पर हमारे जीके वीके लॉजिक सब यूज होते हैं, ये उससे अलग टाइप है यहाँ पर एजम्पशन वाली। देख लेते हैं इसमें, देखो क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन है इसमें गिवन है आपको, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, लिक्विड सोप है, लिक्विड सोप जो पहले लिख रहा था मैं, शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोप बार्स टू वॉश हैंड्स। इसका एजम्पशन ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट है, एजम्पशन ये है कि हमने इसलिए करा कि सोप बार्स आर हार्शर टू स्किन देन लिक्विड सोप। अब ये बताना है कि ये जो एजम्पशन हम मान रहे हैं ये इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा या नहीं। तो देखो इसमें हम दो चीजें चेक करते हैं, इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, कैन बी इम्प्लाइड, यानी कि ये एजम्पशन इसके बेस पे ये चीज इंप्लाई करी जा सकती है या नहीं। यानी कि अगर स्टेटमेंट ये है कि लिक्विड सोप यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोप बार टू वॉश हैंड, कि किसी कंपनी ने मान लो एक डिसीजन लिया कि लिक्विड सोप की जगह हम क्या रखेंगे, लिक्विड सोप रखेंगे इन प्लेस ऑफ सोप बार्स, सोप बार्स की जगह हमने चेंज कर दिया लिक्विड सोप, तो ये एजम्पशन ट्रू है या नहीं कि सोप बार्स आर हार्शर टू स्किन। कि वो ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि सोप बार्स जो है वो हार्श होते हैं स्किन के लिए, यानी ये चीज इंप्लाई की जा सकती है या नहीं, ये बताना है। तो देखो अगर इंप्लाई की जा सकती है, इम्प्लिसिट है तो हम कहते हैं ट्रू, और एक्सप्लिसिट है यानी बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आई है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कहते हैं फॉल्स। ये तो ट्रू है, ट्रू है, आंसर फॉल्स है इसका। सर लेकिन कैसे, देखो सोप बार्स आर हार्शर टू स्किन देन लिक्विड सोप, ये अपने आप में मान लो ट्रू है चीज, ठीक है ये चीज सही लिखा है, सोप बार्स जो होते हैं वो हार्श होते हैं लिक्विड सोप, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये चीज इंप्लाई हो रही कि ये डिसीजन इस वजह से लिया गया है, इसके बेस पे लिया गया है, हो सकता है ना, हो सकता वाला चीज नहीं आएगी, हो सकता तो मे बी तो आपके लॉजिक में कभी आएगा ही नहीं कहीं, या नो होगा आपको ये डिसीजन, यही तो डिसीजन फंसते, मे बी मैं आपको नहीं फंसना कभी भी, या तो आप कहोगे यस ट्रू या
सर ये तो लेकिन इम्प्लाई करता है ना इफ सोप बार्स आर हार्शर देन लिक्विड सोप्स देन लिक्विड सोप शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोप बार्स टू वॉश हैंड्स ये तो स्टेटमेंट पे फोकस हमेशा कहाँ होगा स्टेटमेंट सर स्टेटमेंट पे यस स्टेटमेंट पे ये है कि हमने लिक्विड सोप की जगह सोप बार कर दिया तो ये इसलिए करा गया कि ये हार्डशर था इसलिए किया गया ये चीज है सर मुझे तो लग रहा है ये रीजन हो सकता है बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हो सकता एक अभी क्वेश्चन ना आ गया तो मेरे को क्लियर हो जाएगा जैसे स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू लोअर देयर इंटरेस्ट rate for agricultural loans ये statement है समझ लो क्या दिया इसके बेस पे assumption दिए आपको कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा कि this will increase per hectare productivity thank you activity in future ये assumption हमने माना second this move will help farmers in paying less interest amount and their profit will increase ठीक ऑप्शन वही assumption one follows two follows both or none ठीक है अब बताओ जो स्टेटमेंट है सिर्फ उसके बेस पे आपको अगला बताना है गवर्नमेंट एंड आज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान लो बैंक्स हैं जैसे कि बैंक से कहा है कि अपना लोअर कर दो इंटरेस्ट रेट फॉर एग्रीकल्चर लोन यानी जो फार्मर को लोन दे रहा है उसको हमने क्या कर दिया लो कर दिया इंटरेस्ट रेट इसके बेस पे आप एजम्पशन देखो दिस विल इंक्रीज पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर और दिस मूव विल हेल्प फार्मर इन पेइंग लेस इंटरेस्ट अमाउंट एंड देयर प्रॉफिट विल इंक्रीज क्या लग रहा है वाला तो है ठीक और टू तो लग ही रहा है पढ़ के यस सर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लेस इंटरेस्ट अमाउंट देंगे तो उससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा वन पे आओ दिस विल इंक्रीज पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फ्यूचर की ये हम कह सकते हैं नो सर नहीं कह सकते ठीक तो हमारे लिए इस स्टेटमेंट के बेस पे देखो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ भी जाए भाई जब इंटरेस्ट अमाउंट कम हो रही है प्रॉफिट भी हो रहा है तो हो सकता है आगे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए सर लेकिन 100% श्योर मे बी वाला केस है यस सर तो मे बी वाले केस को हम रिजेक्ट तो कर सकते हैं रिजेक्ट करना हमारे लिए ज्यादा आसान है मे बी को एक्सेप्ट करने के लिए हमें पूरा श्योर होना पड़ेगा ये हमें श्योरिटी स्टेटमेंट के बेस पे कहीं से नहीं मिल रही इसके बेस पे ऐसा हो जाएगा सर अब मुझे समझ आ गया अब आ गया ना हाँ देखो अब yes, एक दो और करते हैं बस दो क्वेश्चन फिर क्लास खत्म होगी सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी स्टेटमेंट सिर्फ इतना है एजम्पशन Sun is the only source of vitamin D. Second assumption is vitamin D is obtained
very small amount from sun. Option वही फिर से only one follows, two follows, A1 or A2 follows या फिर neither A1 nor A2. सर डी आ सकता है neither A1 nor A2. और लोग बताओ भी क्या लग रहा है आंसर. स्टेटमेंट क्या, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट सन इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुई स्टेटमेंट में, सिर्फ ये है कि ये गुड सोर्स है. सेकंड, विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. देखो यहां दिया है गुड सोर्स और इसमें कह रहा है वेरी स्मॉल अमाउंट, तो ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं हो गई. यानी लॉजिकली कि वो गुड सोर्स भी है और वेरी स्मॉल अमाउंट है, तो ये आपस में क्या है, मिसमैच है. तो सेकंड को भी हम कह सकते हैं ठीक है, मुबशिर ने सही बताया, ऑप्शन नंबर डी. यानी ना तो A1 फॉलो करेगा ना ही A2 फॉलो करेगा. चलो लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है इफ ही इज स्मार्ट he will crack the interview. Assumption हमने लिए first to crack an interview, smartness is required. Second, he will definitely crack the interview. Options only one is, इस बार लिखा है मान लो implicit, follow की जगह हम ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हैं. He is implicit, either one or two is implicit or both one or two implicit. Sir, one to crack an interview smartness is required, only one is implicit. जी और लोग बताओ, अब तो एक कंपटीशन पर ही क्वेश्चन पूछा है. If he is smart, he will crack the interview. Mubashir, Sufail, Raz, last question है. Try करो क्या आंसर होना चाहिए. Raz का है ऑप्शन ए. सना ने भी कहा है ऑप्शन ए. Only one is implicit. देखो इस स्टेटमेंट पे अगर हम देखें, if he is smart, he will crack the interview. यानी हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि to crack an interview, smartness is required. तभी स्टेटमेंट में ऐसा कहा है कि if he is smart, he will crack the interview. यानी पहली चीज तो ये है कि स्मार्टनेस चाहिए, तो ये तो हमारा फॉलो हो रहा है, इम्प्लिसिट है. लेकिन सेकेंड, ही विल डेफिनेटली क्रैक द इंटरव्यू, ये नहीं होगा. क्योंकि यहाँ वर्ड क्या हुआ, यूज हुआ है इफ. इफ ही इज स्मार्ट ही विल क्रैक द इंटरव्यू, तो ये कोई श्योरिटी नहीं निकली हमें इस स्टेटमेंट से कि ही विल डेफिनेटली क्रैक द इंटरव्यू. तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ ए, ओनली वन इज इम्प्लिसिट. क्लियर? तो ये टाइप के क्वेश्चन है, ये जामिया एमयू में भी अब आने लगे हैं, तो इनको क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं इस टाइप से.
ये तो कंक्लूजन बेस्ड हो सकता है या एजम्पशन हो सकता है या फिर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है. तो मेन ट्रिक यही है कि फोकस आपको रखना है स्टेटमेंट के ऊपर, उसी से तुम्हें आंसर दो. क्लियर? ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी. तो उसमें हर टॉपिक से कुछ ना कुछ उठाएंगे, तो एक तरीके से रिवीजन भी हमारा फिर शुरू हो जाएगा. यस सर. ठीक है.